जयपुर में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को रौंदा 3 घायल। मुजफ्फरपुर में बारातियों पर हमला, करीब 6 लोग घायल। नशे में उपद्रवियों ने रोड़ेबाजी की, 2 की हालत गंभीर। रोज का सामान भी फेंका। अवध असम एक्सप्रेस से गायब महिला प्रेमी के साथ बरामद, बाथरूम जाने के लिए निकली थी, रहस्यमय ढंग से हो गई गायब, जीआरपी ने किया बरामद। बिहार में लंबी पड़ी ठंड, इस बार गर्मी पड़ेगी कम, 3 दिनों में 4 डिग्री नीचे आएगा पारा। बीते 60 साल में जब जब चली शीतलहर, तब तब गर्मी ने कम झुलसाया। लालू के चेहरे की लाली, अब तेजस्वी के गालों पर बदलाव के दौर से गुजर रही पार्टी। तेजस्वी यादव के हाथ में है असली बागडोर। विभूति एक्सप्रेस की चपेट में आए रेलकर्मी, मौत। छुट्टी लेकर बेटी का जन्मदिन मनाने आ रहे थे, आरआर ट्रेन से उतरने के दौरान चपेट में आए। बेगूसराय में युवक की पीट पीट कर हत्या, शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान। जेब से 1 पैन कार्ड व एटीएम किया बरामद। 3 दिन में बरामद हुई 150 साल पुरानी धूप घड़ी, डेहरी से उखाड़ कर ले गए थे चोर, 1871 में अंग्रेजों ने लगवाई थी। बांका में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, देवघर बारात में गए थे, रास्ते में ड्राइवर को आ गई झपकी, 7 गंभीर। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर युवक ने तोड़ा दम। पूर्णिया विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा की तिथि बढ़ी, अब 17 फरवरी तक भरा जाएगा एग्जाम पेपर। छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में हो रही परेशानी। जहानाबाद में अवैध बालू खनन को लेकर गोलीबारी, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, युवक के सिर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। नेपाल के चितवन से आया गैंडा, वीटीआर से बाहर निकला, यूपी के खड्डा में पहुंचा गैंडा, केले के खेत में घुसा, किसानों में मची भगदड़। अपहरण के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोल, रोहतास में ग्रेजुएशन की छात्रा का हुआ है अपहरण, विरोध में लोगों ने हाईवे को जाम किया। समस्तीपुर में ट्रैक्टर ड्राइवर का मिला शव, गड्ढे से लोगों ने लाश को बाहर निकाला, हत्या से नाराज ग्रामीणों ने 28 जाम किया। बहन की शादी में जा रहे भाई की मौत, खगड़िया में 31 पर हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित पिकअप ने मारी टक्कर, 1 घायल। बक्सर में हथियार सप्लायर मुख्तार आलम गिरफ्तार, 4 जिंदा कारतूस के साथ हथियार भी बरामद, अवैध हथियार सप्लाई करने का कारोबार। ललन सिंह ने बिना नाम लिया आरसीपी पर साधा निशाना, जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले आरसीपी सिंह के अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं। मोतिहारी में 12 घंटे में पुलिस ने लूट का किया खुलासा, शादी से लौटने के दौरान युवक से हुई थी लूट, चाकू मारकर अपराधियों ने छीन ली थी बाइक। छपरा में 14 मुखिया समेत सैकड़ों नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि परेशान, नगर निगम में शामिल होंगे 3 प्रखंडों के 14 पंचायत, खत्म होगी सैकड़ों जनप्रतिनिधियों की सदस्यता। दरभंगा में जमीनी विवाद में 4 लोगों को जलाया, 1 के घर में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मौत, 2 लोग 75% से ज्यादा झुलसे, 41 पर FIR। पटना में शिक्षकों ने कॉपी जांचने में किया इनकार, राशि बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन, अभी मिलते हैं 12 रुपए। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा, बिना मेंटेनेंस के 18,000 किलोमीटर दौड़ता रहा इंजन, समस्तीपुर रेल डिवीजन ने दिया फर्जी सर्टिफिकेट। बिहार में ईशान आईपीएल 15 करोड़ 25 लाख में बिके, मुंबई इंडियंस ने लगाई सबसे बड़ी बोली, 6 और बाहरियों को कल चमक सकती है किस्मत। छपरा में भूमि पूजन से पहले घर में लगी आग, दूध बेचकर और बकरी पालन कर जुटाए तो ₹80,000 नगद भी जल कर राख। शिवदाह के वार्ड सचिव के चयन में धांधली का आरोप, बीडीओ से की शिकायत, अगले आदेश तक किया गया रद्द। शिक्षक नियोजन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, प्रवक्ता ने कहा ये शर्म की बात है, शिक्षक अभ्यर्थी आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। रोहतास में बजरंग बली का मुकुट ले गए चोर, सुबह मंदिर का दरवाजा खुला तो गायब दिखा मुकुट, रात में लगाया गया था ताला। रोहतास में बजरंग बली का मुकुट ले गए चोर, सुबह मंदिर का दरवाजा खुला तो गायब दिखा मुकुट, रात में लगाया गया था ताला। मिठाई दुकानदार से 50 लाख की रंगदारी की मांग, गोपालगंज में दुकान के पास बदमाशों ने पर्चा फेंका, दहशत फैलाने के लिए 5 राउंड फायरिंग भी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।